से खुद परियोजना में लंबित पुनर्वास के बारे में सरकार सकारात्मक है और लंबित पुनर्वास के प्रश्न का समाधान करने के लिए सरकार को 514 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री खुद इस मामले को देख रहे हैं और 2 महीने में इस सवाल को सुलझा लिया जाएगा। 514 करोड़ की धनराशि 2 महीने के भीतर प्राप्त होगी और लंबित पुनर्वास समस्या का समाधान किया जाएगा। सांसद सुनील मेंढे, विधायक रामचंद्र अवसर, विदर्भ सिंचाई विकास निगम के JM शेख, अधीक्षक अभियंता जगत टेल, गोसी खुद उप सिंचाई बोर्ड कार्यकारी अभियंता प्रवीण झोड़, पौनी शहर अध्यक्ष पूनम काटेखाय और अधिकारी उपस्थित थे। तीनों सिंचाई योजनाओं का कार्य भूमि पूजन में अभिभावक मंत्री ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि बारिश कम होते ही यह काम शुरू कर दिया जाएगा। काम 2 साल में पूरा करने की योजना है। इन योजनाओं से क्षेत्र के 33 गांवों को लाभ मिलेगा। विशेष रूप से पानी को पारंपरिक तरीके से छोड़ने के बिना पाइप के माध्यम से ले जाया जाएगा। सरकार ने गोसी खुद परियोजना को 18,425 करोड़ की संशोधित राशि दी गई है और यह परियोजना 2021 तक पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को सब्सिडी सिंचाई योजना के काम में तेजी लाने की उम्मीद थी। तौरबाड योजना के तहत एक प्रस्ताव के लिए अपील की गई थी। नौगांव नागजीरा के विकास के लिए 300 करोड़ की योजना तैयार की जा रही है। यह कहते हुए संरक्षक मंत्री ने कहा कि पौनी गाँव के लिए एक अभयारण्य विकसित किया जा रहा है, इससे बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। उप सिंचाई योजना के लिए 167.59 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जो कि 22.23 करोड़ तक की इस सब्सिडी सिंचाई योजना के तहत खर्च की गई है। कोसी खुद परियोजना 1983 में शुरू हुई। इस परियोजना का उद्देश्य 2.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र बनाना था। हालांकि 2009 में इस परियोजना को गति मिलेगी। 2014 तक 39,000 हेक्टेयर तक सिंचाई की गई। 2014 से 2019 तक परियोजना ने जबरदस्त गति पकड़ी है। सरकार ने गोसे से आज 1,03,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता पैदा करने में सफलता प्राप्त की है। सांसद सुनील मेंढे ने कहा, उन्होंने कहा कि आज की 3 जमीनी योजनाओं से 13,500 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पिछले 30 वर्षों से यह सब्सिडी सिंचाई योजना इंतजार कर रही है। विधायक अवसरे ने कहा कि आज इसने रफ्तार पकड़ी है और किसानों को 2021 तक सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। क्षेत्र की कुछ झीलें पानी से भरी हुई है और उन्होंने झील में मछली पकड़ने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि इसी तरह कुछ तालाब सूखे हैं और तालाब में सिंचाई करने से किसानों को फायदा होगा। कार्यक्रम में सहायक अधीक्षक अभियंता जगत टाले द्वारा प्रस्तुत किया गया आभार कार्यकारी अभियंता प्रवीण झोड़ ने माना।